So, we'll प्लेस कर दिया है एक कार्ड बोर्ड के अंदर अब इस कार्ड बोर्ड में हम दो स्लेट्स कर लेने वाले है एक स्लेट का नाम मैं एस वन रख रही हूँ एक स्लेट का नाम मैं एस टू रख रही हूँ अब इन दो स्लेट्स में जो लाइट आने वाली है ड्यू टू प्राइमरी सोर्स एस वो दोनों एस एंड एस आर गोइंग टू बिहेव लाइक टू कोहर

फिर ऐसे ही सीक्वेंस वाइज क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ हम ड्रॉ करेंगे एक बात याद रखिएगा कि आपके पास जो आंसर शीट आने वाली है बोर्ड में वो सेम इसी तरीके की दिखने वाली है तो आपको अगर वहां पर कंपस और स्केल का चक्कर नहीं डालना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो आप इस तरीके से जैसे मैंने यहां पर मेजर किया है देखिए एस के इस साइड भी मैंने दो बॉक्सेस छोड़े हैं इस साइड भी मैंने दो बॉक्सेस छोड़े हैं सिमिलरली एस के देखो एस को मैंने एक बॉक्स के सेंटर में बनाया है उसके लेफ्ट में भी

अब जब आप ट्रफ बनाएंगे तो ये वाला जो वन सेंटीमीटर का बॉक्स है इसकी स्टार्टिंग से मैंने क्रेस्ट बनाया है इसके आगे से आप बना देंगे ट्रफ जो कि साथ वाले बॉक्स के एंडिंग पर खत्म होने वाला है तो इससे आपको इक्वल विड्थ की फ्रिजेस मिल जाएंगी जिससे कि आपका इंटरफेरेंस बहुत ही खूबसूरत तरीके से निकल के आएगा ठीक है जी आप देख पाएंगे कि ब्राइट फ्रिजेस कहाँ मिल रही है कहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है ठीक बात है तो आप अपना बॉक्स का कॉर्नर पकड़ के चलिए ठीक है जी एक एक सेंटीमीटर आगे बढ़ना है यानी कि एक एक बॉक्स आगे बढ़ना है एंड जितना काम आप एस वन के लिए कर रहे हैं साथ साथ एस टू का काम करते जाइए ऐसा नहीं करना है कि एस वन का पहले कंप्लीट कर लेते हैं फिर एस टू का कंप्लीट करेंगे नहीं साथ में अगर आपने S1 का क्रेस्ट क्रेस्ट, बना दिया है तो S2 को crest, जैसे आप मेरे डायग्राम में देख सकते हैं मैंने S1 का क्रेस्ट बनाया फिर मैंने S2 का क्रेस्ट बनाया फिर मैंने S1 का ट्रफ बनाया फिर मैंने S2 का ट्रफ बनाया फिर मैंने S1 का क्रेस्ट बनाया फिर मैंने S2 का क्रेस्ट बनाया देखिए आप देख पा रहे होंगे है ना तो इस तरीके से हमारे पास एक पैटर्न बन जाएगा कम से कम सात आठ फ्रिंजेस आप बनाने की ट्राई करना जब तक आप सात आठ फ्रिंजेस अच्छे से नहीं बनाएंगे तो आपका पैटर्न सुंदर नहीं दिखेगा आपको प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं दिख पा रहा होगा ठीक है जी तो देखिए क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ इसके बाद मैं ड्रॉ करने वाली हूँ एक स्क्रीन जिस पर हमें फ्रिंजेस का पैटर्न चाहिए उस स्क्रीन को मैं टू मीटर पर प्लेस करूंगी टू मीटर कहाँ से डबल स्लिट से टू मीटर पर तो देखिए इस तरीके से मैंने एक वर्टिकल स्क्रीन लगा ली है ठीक है जी ये ब्लू कलर की लाइन हमने ड्रॉ कर दी है ये ब्लू कलर की लाइन आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर अब देखिए अब है मेन काम इस डायग्राम का अब जहां जहां पर आपको क्रेस्ट और क्रेस्ट मिल जाए या ट्रफ और ट्रफ मिल जाए तो आपको मिलने वाला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर ब्राइट फ्रिंज या फिर मैक्सिमा तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है आपने सबसे पहले सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को ड्रॉ करना है तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए सबसे सेंटर से स्टार्ट कर लेते हैं जहां आपको बोल्ड बोल्ड लाइन मिलती दिख जाए और डॉटेड डॉटेड लाइन मिलती दिख जाए वहां पर आप एक राउंड लगा दीजिए रेड कलर का जैसे मैं यहां पर लगा रही हूँ ठीक है तो देखिए सेंटर में हमें यह मिला है ट्रफ ट्रफ दो डॉटेड लाइन यहां यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस इंटरसेक्शन पर आप एक डॉट लगा दीजिए जैसे मैंने ये रेड कलर का डॉट लगाया है सिमिलरली इसके जस्ट नीचे देखिए आपको एक बोल्ड और बोल्ड लाइन इंटरसेक्ट होती दिख रही है यानी कि यहाँ पर क्रेस्ट और क्रेस्ट इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ एक डॉट लगा दीजिए देन अगेन ट्रफ ट्रफ का इंटरसेक्शन मिला है क्रेस्ट क्रेस्ट का इंटरसेक्शन मिला है ट्रफ ट्रफ का इंटरसेक्शन मिला है. नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग ऑल दीज इंटरसेक्शन पॉइंट और इन इंटरसेक्शन पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो हमें बनाकर देने वाली है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ठीक है जी देखिए ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पर एक ग्रीन कलर की लाइन अगर आपको दिख पा रही हो तो इस ग्रीन कलर की लाइन से मैंने ये सारे डॉट्स ज्वाइन कर दिए हैं और स्क्रीन तक चली गई हूँ इस लाइन को लेकर के यहाँ पर हम लिख देंगे ये है हमारी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ठीक बात है अब देखिए इस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लेफ्ट में भी राइट right में भी आपको सब तरफ ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिलने वाली है ठीक है जी सो आई वुड रिकमेंड पहले सारी ब्राइट फ्रिंजेस लिख लेते हैं उसके बाद डार्क फ्रिजेस को छेड़ेंगे तो ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या करना है बच्चों जहां पर बोल्ड बोल्ड लाइन इंटरसेक्ट हो रही हो या फिर डॉटेड डॉटेड लाइन इंटरसेक्ट हो रही हो वहां वहां पर डॉट लगाते जाएंगे पहले एक तरफ का काम करते हैं फिर इस तरफ आएंगे फिर इधर जाएंगे फिर इधर आएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं तो अब हम सबसे पहले चले हैं नीचे की तरफ देखिए ये मिल रही मेरे को देखो क्रेस्ट और क्रेस्ट का इंटरसेक्शन मिला मैंने रेड कलर का डॉट लगा दिया मुझे ट्रफ ट्रफ का इंटरसेक्शन मिला मैंने डॉट लगा दिया मुझे फिर से क्रेस्ट क्रेस्ट का इंटरसेक्शन मिला वाओ मैंने डॉट लगा दिया फिर से मुझे ट्रफ ट्रफ का इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन मिला मैंने डॉट लगा दिया अब इन इन डॉट्स को को करते करते हुए इन को करते हुए पॉइंट्स आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और आगे स्क्रीन तक ले जानी है और लिख देना है कि ये भी कैसी है ब्राइट फ्रिंज जो कि हम एक साथ लिख लेंगे देन उस तरफ चलते हैं देखो ये मिल गया क्रेस्ट क्रेस्ट ये मिला ट्रफ ट्रफ फिर मिला क्रेस्ट क्रेस्ट फिर मिला ट्रफ ट्रफ इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए एक लाइन को आप ड्रॉ कर दीजिए ये भी क्या बना कर देगी बच्चों ब्राइट फ्रिंज बना कर देगी ठीक है जी नेक्स्ट वापस आ जाइए इस तरफ देखो हमें मिला ट्रफ ट्रफ फिर मिला क्रेस्ट क्रेस्ट फिर मिला ट्रफ ट्रफ डॉट लगाते जाइए जहां पर क्रेस्ट क्रेस्ट मिलता है डॉट लगा दो जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है डॉट लगा दो भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ रहे हो ना क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट इंटरफेयर करे ट्रफ के साथ ट्रफ इंटरफेयर करे तो कंस्ट्रक्टिव है अगर क्रेस्ट के साथ ट्रफ इंटरफेयर करेगा तो भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना कॉमन सेंस ठीक है तो यहां पर देखिए इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को जॉइन करते हुए मैंने फिर से एक लाइन ड्रा कर दी है ये भी क्या बनाने वाली है ब्राइट फ्रिंज बनाने वाली चलो ऊपर की तरफ देखो ये कौन मिला हमें ट्रफ ट्रफ तो ट्रफ 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 इन पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दीजिए इन पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन से हमें स्क्रीन तक जाना है और हमें क्या मिल जाएगी फिर से ब्राइट फ्रिंज इसके बाद भाई इतनी सारी ब्राइट फ्रिंजेस बनाई हैं तो डार्क फ्रिंज भी तो बनाएंगे तो डार्क फ्रिंज की एक बात समझ लो आपने सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनाई उसके इधर भी ब्राइट फ्रिंज आई इधर भी ब्राइट फ्रिंज आई तो हर दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में आपको एक डार्क फ्रिंज मिलेगी ये तय है दिस इज फिक्स दिस इज फॉर श्योर दिस इज सर्टेन आपको दो ब्राइट फ्रिजेस के बीच में एक डार्क फ्रिंज मिलेगी दिस इज सर्टेन 100% मिलेगी तो आप ढूंढने नहीं जाइए आप सीधा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के बीच में देखिए यहां पर आपको पक्का क्रेस्ट ट्रफ या ट्रफ क्रेस्ट मिलते हुए दिखाई देंगे तो देखिए सबसे पहले आप सेंट्रल फ्रिंज के नीचे वाली तरफ आइए जो मैंने पहला रेड डॉट लगाया है उसके नीचे आइए देखिए ये मैं पर्पल कलर का क्रॉस बना रही हूं ध्यान से देखिए ये बन गया पर्पल कलर का एक क्रॉस मुझे मिली है एक बोल्ड और एक डॉटेड लाइन की इंटरसेक्शन मतलब कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ की इंटरसेक्शन मिल गई तो क्रॉस बना दीजिए ऊपर की तरफ चलिए देखिए ये मिल गया क्रेस्ट ट्रफ देखिए ऊपर चलिए ये मिल गया फिर से डॉटेड और बोल्ड ठीक है जी ऊपर चलिए फिर मिल गया डॉटेड और बोल्ड अब ये जो मैंने पर्पल कलर के क्रॉस बनाए हैं इसको ज्वाइन करते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है जो कहाँ तक जाएगी स्क्रीन तक जाएगी और ये आज क्या देने वाली है हमें ये देने वाली है डार्क फ्रिंज या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है या फिर यहाँ पर हमें मिला है मिनिमा ठीक बात है तो ये हमें बनाकर देगी डार्क फ्रिंज इसकी नेमिंग अभी हम कर लेंगे पहले सारा डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं फिर लेबलिंग करेंगे देखिए अब इसके नीचे आ जाइए ये दो ग्रीन ग्रीन लाइंस जो आपको दिख रही हैं इन दोनों के बीच में चेक करो इन दो ग्रीन लाइंस के बीच में आपको पक्का डॉटेड और बोल्ड लाइन का इंटरसेक्शन मिलेगा ये रहा हमारे पास पर्पल कलर का क्रॉस बना दिया मैंने क्रेस्ट ट्रफ मिला फिर से ट्रफ मिला फिर से ट्रफ मिला अब इनको ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि हमें फिर से क्या देने वाली है डार्क फ्रिंज देने वाली है देखिए अब चलते हैं ऊपर की तरफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से ऊपर की तरफ जो फर्स्ट फ्रिंज आ रही है वहां पर चलते हैं देखिए जो मैंने रेड डॉट लगाए हैं इसके बीच में आपको ये पर्पल कलर का मैंने क्रॉस बना करके दिखाया है ये पर्पल क्रॉस कहाँ लगा है जहां पर बोल्ड और डोटेड लाइन मिली तो ये लीजिए क्रॉस ये लीजिए क्रॉस ये लीजिए क्रॉस और ये मिलकर के क्या बना रहे हैं अब इनको ज्वाइन करती हुई लाइन इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन हमें क्या बना कर देगी डार्क फ्रिंज तो लीजिए ज्वाइन कर देते हैं सिमिलरली एक स्टेप और ऊपर जाओ ये जो दो ग्रीन लाइंस दिख रही हैं इनके बीच में आपको डार्क फ्रिंज मिलने वाली है तो डॉटेड बोल्ड क्रॉस डॉटेड बोल्ड क्रॉस और ये लाइन ज्वाइन कर दी हमने ठीक है जी अब इनकी नेमिंग कर देते हैं फटाफट से ये देखो ऊपर एक और डार्क फ्रिंज मिली तो पैटर्न यंग्स डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट का हम सबको पता है ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क स्टार्ट ऊपर से या स्टार्ट नीचे से नहीं करना स्टार्ट सेंटर से करना है सेंटर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट ये सेंटर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट लाइक दिस तो चलिए अब इनका नाम लिख लेते हैं सबसे पहले सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का नाम लिख दीजिए ये लीजिए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हमारी सबसे फेवरेट फ्रिंज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट होती है ठीक है जी इसके बाद देखिए मैं सबसे पहले सारे ब्राइट लिख रही हूँ ठीक है जी ये ग्रीन ग्रीन डॉट्स जो मैंने बनाए हैं दीज आर रिप्रेजेंटिंग ब्राइट फ्रिंजेस तो ब्राइट, ब्राइट ब्राइट ये मैंने सब जगह ब्राइट लिख दिया तो तो ये ये मैंने सारे के के आगे लिख तो हर दो बीच में एक purple dot है। ये purple dot क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं डार्क फ्रिंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डार्क डाक 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 डार्क फ्रिंज ठीक है अब भैया डायग्राम तो बन गया पूरा डायग्राम इज कंप्लीट नाउ वी आर गोइंग टू लेबल दिस डायग्राम तो ये जिस पर आप फ्रिजेस बना रहे हो ये कौन है ये है स्क्रीन तो लिख दो जरा स्क्रीन जहां से ये सारी फ्रिजेस इनिशिएट हो रही हैं ये क्या है डबल स्लिट है तो इसका नाम लिख दीजिए दिस इज डबल स्लिट और जो कोहरेंट सोर्सेज हैं जिसकी वजह से बने हैं प्राइमरी सोर्स कौन है प्राइमरी सोर्स कैसा है मोनोक्रोमेटिक है तो लिख दीजिए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिया है क्योंकि हमें कोहरेंट सोर्सेज बनाने के लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है ठीक बात है अब देखिए ये जो आपने S1 वन एंड एस बनाए हैं इसके बारे में भी लिख दीजिए कि ये दोनों कैसे हैं हमारे पास कोहर सोर्सेज हैं ठीक बात है अब ये जो डबल स्लिटर स्क्रीन लगाई है इसके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं कैपिटल डी जो कि होता है टू मीटर फॉर यंग्स हमने बोल्ड डॉटेड लाइन का यूज किया है, ये कौन है? तो है मेरे पास बच्चों क्रेस्ट और डॉटेड लाइन है मेरे पास ट्रफ ठीक है जी ये देखिए मैं टॉप राइट में लिख रही हूँ अब मैं ये भी बताने वाली हूँ कि क्रेस्ट क्रेस्ट या ट्रफ ट्रफ मिल रहे हैं तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिल रही है और अगर और ट्रफ मिल रहे हैं तो हमें डार्क फ्रिंज मिल रही है तो यह बात मैं टॉप राइट right में लिख रही हूँ एक बात और अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हो ड्रॉ दी पैटर्न ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस और शो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या फिर लिखा हो मैक्सिमा एंड मिनिमा बनाकर दिखाइए तो एक ही बात है घबराना नहीं देखो जरा ब्राइट फ्रिंज लिखा हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखा हो या फिर मैक्सिमा लिखा हो एक ही बात है एंड डार्क फ्रिंज लिखा हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखा हो या मिनिमा लिखा हो तो एक ही बात है ठीक है जी ये भी हमने यहां पर लिख दिया ये प्रॉपर आपका फाइव मार्क्स का जो डायग्राम आता है वो हमने बना करके दिखा दिया है So this was a quick tutorial on how to draw Young's double slit experiment. I hope you liked the video. Also, leave a comment below telling me that next video we will lekar on Also, if you like the video, kindly subscribe to Richa Sachdeva Physics. All the best.